रजनीकांत नहीं थे 2.0 के लिए डायरेक्टर की पहली पसंद, जाने आमिर खान ने क्यों ठुकराया ऑफर। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान इन दिनों फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार के प्रमोशन में बिजी हैं। आमिर की यह फिल्म दिवाली के मौके पर रिलीज हो चुकी है। हाल ही में फिल्म के प्रमोशनल इंटरव्यू में आमिर खान ने साउथ सुपरस्टार रजनीकांत से जुड़ा एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। आमिर ने बताया कि रजनीकांत की मोस्ट अवेटेड फिल्म 2.0 पहले उन्हें ऑफर की गई थी। कोमल नेहाटा के चैट शो में इस बात का जिक्र करते हुए आमिर ने कहा, रजनी सर की तबीयत खराब चल रही थी तो उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर शंकर से कहा कि आमिर को रिक्वेस्ट करो। रजनी सर ने मुझे खुद कॉल किया और कहा कि प्लीज ये फिल्म कर लो, लेकिन आमिर खान ने इसके लिए साफ मना कर दिया। इसी इंटरव्यू में फिल्म रिजेक्ट करने की वजह बताते हुए आमिर ने कहा, फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत बढ़िया है और यह बॉक्स ऑफिस पर कमाल करने वाली है, लेकिन मैं जब भी आंख बंद करता था तो मुझे उस रोल में सिर्फ रजनी सर ही नजर आते थे। मैं खुद को उसमें नहीं देख पाता था, मुझसे इमोशनली ऐसा नहीं हो रहा था। इमोशनली जब मैं फिल्म के बारे सोचता था, सीन के बारे में सोचता था तो रजनी सर ही मेरे दिमाग में आते थे। मैं खुद को वो करते हुए नहीं सोच पाता था। मैंने शंकर को कहा कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं सिर्फ रजनी सर को ही इमेजिन करता हूँ, उन्हें रिप्लेस नहीं किया जा सकता, कम से कम मैं तो नहीं कर सकता।